हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग बायोलॉजी। माय नेम इज बाबर अली और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने रेस को, जेनरेशन को कंटिन्यू करता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने जनरेशन्स को कंटिन्यू करता है और इस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन है वो अर्थ में मेंटेन रहती है। तो हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह बना है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मेल इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या है, फीमेल इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या है, मेल और फीमेल के अंदर जो STDs होते हैं, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, उनको डिस्कस करेंगे, उनके काजेस को डिस्कस करेंगे, प्रिवेंशन को डिस्कस करेंगे, डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे, ट्वेंस को डिस्कस करेंगे, ट्वेंस जो आइडेंटिकल ट्वेंस होते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्वेंस होते हैं। तो वन बाय वन हम इसका प्लेलिस्ट बनाएंगे और इस पूरे चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन को जान लेते हैं और फिर इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन क्या है? इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस टू कंटिन्यू एक्स रेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जनरेशन्स को रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनका रेस जो है वो कंटिन्यू हो, यानी उनका जनरेशन जो है वो अर्थ में कंटिन्यू हो। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन शोज मोस्ट एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन्स आर यूनिसेक्चुअल विद वेल डिफाइंड सेक्चुअल डायमॉर्फिज्म। ह्यूमन जो है इनका बहुत ही ज़्यादा वेल डिवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे किंगडम पाइलम्स है, क्लासेस है, एट्सेट्रा। अगर उसमें हम ह्यूमन को सिर्फ देके या फिर मेमल्स को देके, तो ह्यूमन में मेमल में आता है, क्लास में मेलिया में आता है, तो इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा वेल डिवलप है। इनमें सेक्चुअल डायमॉर्फिज्म है, यानी डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस तरह है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे आप ज़रा जान लें कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें आपको मिलेंगे टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस। इनका वन बाय वन हम सारे स्ट्रक्चर्स का फंक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो एक एक पार्ट हम जिसका नाम ले रहे हैं इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या फंक्शन है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको टेस्टिस मिलेंगे। अगर इस डायग्राम के थ्रू आप देखें तो ये जो आपको पेयर में मिल रहे हैं, ये पेयर में जो आपको नज़र आ रहे हैं इनसाइड द स्क्रोटम, एक सेक में पड़े होते हैं टेस्टिकल्स, जिसको हम नाम बोलते हैं टेस्टिस। इसका फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये बाद में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले। जो सेकंड पार्ट है वो है एक्सेसरी डक्ट्स। ये ऐसे डक्ट्स होते हैं जो सीमन को फ्लो कराता है। उसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, यानी आपको मैं ज़रा समराइज कर दूँ, बाद में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला है, लेकिन इसको आप ज़रा ये समझ लें कि एक्सेसरी ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्पर्म को फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, यानी जिसमें सेमिनल वेसिकल हो गया, बल्बोलिट्रल ग्लैंड हो गया और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये तीनों ऐसे ग्लैंड्स हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। ये स्पर्म को, यानी स्पर्म डायरेक्ट जो है बॉडी से, पेनस से नहीं निकल सकता, स्पर्म निकलता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। तो जो फ्लूइड उसको मिलता है वो मिलता है एक्सेसरी ग्लैंड से। और उसके अलावा जो फोर्थ पार्ट है वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी जिसको हम नाम बोलते हैं पेनस। जो एक्सपोज पार्ट है, एक मस्कुलर पार्ट है, इसको हम नाम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इन तीनों पार्ट्स को अब हम डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं, जिसके जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा कि हर एक पार्ट को क्या क्या नाम बोलते हैं, ये पार्ट्स जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, एट्सेट्रा। अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये एक डायग्राम है जस्ट, बाद में हम हर एक पार्ट को, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन अलग अलग डिस्कस करेंगे, सेपरेटली हम सबको डिस्कस करेंगे। पहले हम सिर्फ डायग्राम को समझ लेते हैं कि ये सारे पार्ट्स जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, एक ऐसे सेक जैसा स्ट्रक्चर होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर, उसमें पेयर ऑफ टेस्टिकल्स होते हैं, इस तरह पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। तो ये वो वाला स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे पेयर ऑफ टेस्टिस, जो कि फर्स्ट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है।
टेस्टिकल से एक स्ट्रक्चर निकलेगा जहां पे स्पर्म की स्टोरेज होगी, ये वाला ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहा है, इस पार्ट को हम नाम बोलते हैं एपिडिडिमस। ये स्पर्म स्टोरेज साइट है। एपिडिडिमस से ट्यूब निकलता है, उस ट्यूब को हम नाम बोलते हैं वास डेफरेंस। ये एक्सेसरी डक्ट है। तो यहां से एक ट्यूब निकलेगा एपिडिडिमस से, ये आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, इस ट्यूब को हम नाम बोलते हैं वास डेफरेंस। ये स्पर्म को कैरी करेगा फ्रॉम द एपिडिडिमस टुवर्ड्स द यूरेथ्रा। तो यहां से स्पर्म निकलेगा इस तरह, यू सीधा पेनिस के यूरेथ्रा के साइड पे आएगा। तो ये जो भी हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने यहां सिर्फ डायग्राम को फोकस करना है, डायग्राम को आपने समझना है। दूसरा जो पार्ट है, एपिडिडिमस है, टेस्टिकल्स है, उसके बाद जो है वास डिफरेंस है, ये एक ट्यूब है। वास डिफरेंस के पास आपको एक ग्लैंड नजर आएगा, जिस ग्लैंड को हम नाम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये पैर के पाम में होते हैं, तो ये टू ग्लैंड होते हैं, पेयर ऑफ ग्लैंड है। इस सेमिनल वेसिकल का फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लें कि जो सीमन निकलता है उसमें ये सिक्रीशन करता है। उसके बाद एक और ग्लैंड होगा जिसको हम नाम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये अनपेयर्ड है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये भी सिक्रीशन करेगा, मिल्की वाइट सिक्रीशन करेगा स्पर्म में और सीमन को बाहर निकालेगा यूरेथ्रा के थ्रू। थर्ड जो ग्लैंड है वो है बल्बो लेथरल ग्लैंड। बल्बो लेथरल ग्लैंड जो है इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो लेथरल ग्लैंड। तो यहाँ पे टोटल थ्री ग्लैंड हो गए, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो लेथरल ग्लैंड। तो इन तीनों ग्लैंड को हम कलेक्टिवली नाम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड जब अपनी सिक्रीशन करते हैं स्पर्म के अंदर, तो स्पर्म जो है वो सीमन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपको ये जो रेड कलर में नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है ये डबल फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी ये जेनिटल ऑर्गन भी है, स्पर्म को बाहर निकालता है, सीमन को बाहर निकालता है। दूसरा जो है इसका यूरिनरी स्ट्रक्चर में भी काम है, यानी यूरिनरी जो फंक्शन इसका यूरिनरी फंक्शन ये है कि ये यूरिन को भी बाहर निकालता है। तो ये यूरिनो जेनिटल स्ट्रक्चर है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी ये जेनिटल स्ट्रक्चर भी है, यूरिनो स्ट्रक्चर भी है। उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, जिसको हम नाम बोलते हैं पेनिस। एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो पेनिस का जो टिप वाला रीजन है, यहाँ पे जो टिप रीजन है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ स्कैन प्रेजेंट होता है, जिस स्कैन को हम नाम बोलते हैं पेनिस के टिप रीजन पे एक स्कैन मौजूद होगा, जिस स्कैन को हम नाम बोलते हैं फोर स्कैन। उसके बाद जो बिल्कुल टिप रीजन है, यानी यहाँ पे ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम नाम बोलते हैं यूरेथ्रा। ओपनिंग के साथ बिल्कुल ये जो हेड ऑफ द पेनिस है, इसको हम नाम बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस। तो पेनिस के हेड रीजन को हम नाम बोलेंगे ग्लैंड्स पेनिस। उसके अलावा पेनिस पे ऐसे एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, इस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मैं अब यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा दूं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इस तरह का एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ये वाला रीजन, इसको हम नाम बोलते हैं कोरोना ऑफ द ग्लैंड्स। तो ये आपने याद रखना है कि जो पेनिस है ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें फोर स्कैन होगा। फोर स्कैन जो है पेनिस के ऊपर जो स्कैन पड़ा होता है, इसको हम फोर स्कैन बोलते हैं। यहाँ पे नेक होगा, नेक ऑफ द ग्लैंड्स, यहाँ पे इस रीजन में आपको नेक ऑफ द ग्लैंड्स नजर आएगा। उसके बाद हेड ऑफ द पेनिस को हम नाम बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। और जो हेड ऑफ द पेनिस में ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, जिस यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया, इस स्ट्रक्चर को हम नाम बोलते हैं कोरोना ऑफ ग्लैंड्स। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है पेनिस का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये जो सारे स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम की तो दिखाए हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स का, इन सारे ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है। तो वन बाय वन हम सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं।